तो छठे चरण के मतदान में यूपी में माननीयों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों से इस महापर्व में शामिल होने की अपील की। वोट देने वालों में सीएम समेत कुछ मंत्री और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी दिखाई दिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण के मतदान के लिए सुबह से ही माननीयों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें मंत्री और वीवीआईपी नेताओं ने मतदान किया है। प्रदेश के कई जिलों की तस्वीरें बता रही हैं कि वीवीआईपी भी मतदान में आगे रहे हैं। गोरखपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने परिवार समेत अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला और बताया कि उन्होंने अपना वोट राष्ट्रवाद के नाम पर दिया है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इस नाते मैं राष्ट्रवाद पर ही के मुद्दे पर ही वोट दिया हूँ। राष्ट्रवाद ही पूर्ण तौर पर रहना चाहिए। गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और कहा कि इस बार भी जनता मोदी योगी के साथ है। ये सारे कुछ है, धारा 370 खत्म किया, मंदिर बनाया, तो भारतीय संस्कृति राष्ट्रवाद धर्मवाद और इनके विकासवाद के नाम पर ही वोट पड़ा। वहीं देवरिया में मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हुए और बताया कि यह अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। पूर्ण अधिकार, यानी मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है, इसके पास सरकार बनाने और हटाने का अधिकार होता है, तो वो सुशासन और विकास के लिए आकर के वो आज मतदान करे, यह मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। बलिया में SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपना जनप्रतिनिधि चुना। उन्होंने कहा कि इस बार जनता BJP को विदा कर रही है। पार्टी की विदाई हो जाएगी कि अब उत्तर प्रदेश में तुम्हारी जरूरत नहीं है। तूने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, व्यापारी को धोखा दिया, गरीब को धोखा दिया, और पत्रकार के साथ अन्याय अत्याचार किया, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर पैदा किया, महंगाई बड़े पैमाने पर पैदा किया। वहीं सिद्धार्थनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और BJP नेता जगदम्बिका पाल भी मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, जब आदमी सबसे अपील है कि अपना मतदान करे, और ये मतदान से एक मजबूत सरकार बनती है और मजबूत सरकार प्रदेश के कल्याण के लिए, जनता के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, सुशासन के लिए निश्चित तौर से अच्छा कार्य करती है। छठवें चरण के मतदान में पूर्वांचल में VVIP मतदाताओं ने वोटिंग कर जनता को संदेश दिया है कि जनता का अधिकार है कि वो अपने मन की सरकार चुने और इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। सातवें चरण के लिए प्रचार जारी है। जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम और पीएम दोनों ने पुरानी सरकारों पर जमकर निशाना साधा और योगी सरकार के एक बार फिर से आने का दावा किया। नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिकों को देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है और आज यहां का सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग डबल इंजन सरकार के कालखंड में उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस की संवेदना किसके साथ में है? उनकी संवेदना गरीबों के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ नहीं, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं, भाइयों बहनों उनकी संवेदना आतंकवादियों के लिए है, उनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। की नीयत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भाजपा की नीति है। जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। भाजपा की निष्ठा देश के नागरिकों का कल्याण, गरीब से गरीब का